अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे पीछे आप देख रहे हैं टेनिस को अंदर वर्ल्ड फेमस रॉजर फेडरर को कौन नहीं जानता। पाकिस्तान में मेल स्टार है एहसान उल हक। सबसे बड़ी टेनिस की जो मशहूरियत है वो है जी सानिया मिर्जा इंडिया की। इस कोर्ट को हम इंटरनेशनल कोर्ट रखते हैं, यहाँ पे मैचेज होते हैं तो कवर करना है तो टेनिस को भी कवर करना है। जो ओपनिंग है जो ग्रैंड ओपनिंग है उसमें होपफुली द मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू हैव अ मैच बिटवीन एहसान उल हक एंड सानिया मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज योर होस्ट सईद मोहसिन सुहेल एंड यू आर वाचिंग नॉक टू हर्ट। आज मेरा कुछ डिफरेंट है कंटेंट। मैंने सोचा क्योंकि मैं स्पोर्ट्स चैनल चला रहा हूँ, क्रिकेट को कवर करता हूँ, तो क्यों मैं आपको क्रिकेट की कुछ और ऐसी मजबूत क्रिकेट की नहीं सॉरी स्पोर्ट्स की कुछ ऐसी मजबूत चीजें दिखाऊं जिससे आपको इंटरेस्ट पैदा हो। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि मैं एज प्रोफेशन एक सिविल इंजीनियर भी हूँ, तो मैं बहुत कंस्ट्रक्शन करता रहता हूँ। कराची के अंदर मैंने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, तो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो नए नाजाबाद में सिचुएटेड है। इसके अंदर बहुत सारे क्लब हैं, तो आज मैंने सोचा आपको एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे टेनिस लवर जो हैं, या टेनिस के जो लवर हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें। मेरे पीछे आप देख रहे हैं टेनिस कोर्ट, ओलंपिक स्टैंडर्ड का टेनिस कोर्ट जो कि बना है नया नाजाबाद के अंदर। और आप देख सकते हैं ये तीन कोर्ट बने हुए हैं, दरअसल एक जबरदस्त एनवायरमेंट है यहाँ पर। उस कोर्ट को हम इंटरनेशनल कोर्ट रखते हैं जहाँ पे मैचेज होते हैं, वहाँ पर लोग देख भी सकते हैं। हमने बगैर सेटिंग के एरिया मैंने फीस नजर नहीं आ रही है आपको, तो फीस भी लगाई नहीं है। और ये जो दो सेट कोर्ट होते हैं ये प्रैक्टिस एरिया होता है बना हुआ है। तो आपको पता है कि हिस्ट्री है टेनिस के अंदर वर्ल्ड फेमस रॉजर फेडरर को कौन नहीं जानता, ये एक वर्ल्ड फेमस टेनिस प्लेयर है। लेकिन पाकिस्तानियों की कुछ अलग जान पहचान है। पाकिस्तानी लोग दो लोगों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान का मेल स्टार है एहसान उल हक, जो एक बेहतरीन टेनिस प्लेयर था। और इसके अलावा पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेनिस की जो मशहूरियत है वो है जी सानिया मिर्जा इंडिया की। जी हाँ, सानिया मिर्जा जो शोएब मलिक की सुपरस्टार शोएब मलिक की वाइफ भी है, तो उनकी वजह से भी टेनिस को बहुत देखा जाता है। मैं आपको टेनिस कोर्ट का बता दूं, टेनिस कोर्ट की ना कुछ 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 समझे हैं वो मैं आपको बता पाऊँ। देखिए सबसे पहले तो टेनिस कोर्ट बनता है ऐसे कि किसी भी सिचुएशन पे ऐसे बनेगा कि जो सन है वो डायरेक्टली आपकी आंखों पर हिट ना हो। हमने बनाते हुए बात को बड़ा मेक श्योर रखा कि टेनिस कोर्ट इस तरह खेलेंगे। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त 4 बज रहा है, यहाँ से धूप आ रही है और हम खेलेंगे ऐसे, तो जिससे जो प्लेयर है उसकी आंखों में सनलाइट नहीं आती, जिसकी वजह से बड़ा मेक श्योर रखना पड़ता है कि इस तरीके से हो। ये बड़ी टेक्निकलिटी है, विंड डायरेक्शन को देखना पड़ता है, विंड की डायरेक्शन ऐसे चल रही है या ऐसे चल रही है, इस तरह निकलनी चाहिए। अगर शॉट पर पावरफुल लगेगा एक का दूसरे का नहीं लगेगा। हमने 3 टेनिस कोर्ट बनाए जो ओलंपिक स्टैंडर्ड के हैं। इन फ्यूचर जब पाकिस्तान के अंदर टेनिस आएगा, ओलंपिक प्लेयर आएंगे यहाँ खेलेंगे। अब इसकी जो डायमेंशन है वो 78 फीट बाय 27 फीट के तीनों कोर्ट्स हैं, यानी एक दो और तीन। आप देख सकते हैं मार्किंग जो भी फॉल्ट पे बनाया गया, मैं आपको पहले ये बता दूं, एंड जैसे वन ऑफ इट्स काइंड जो फॉल्ट बेसिंग है ये आउटसाइड कहलाती है। कोर्ट वो है आपका और जैसी भी आउटसाइड, आपने देखा होगा मैचेस के अंदर जब बॉल पड़ती है आउटसाइड पे ये आउट कहलाती है। प्लेयर फील्ड इज दिस, यू हैव टू ब्लो लाइक दिस एंड दिस इज अ सर्कल। जैसे क्रिकेट में हमारा सर्कल होता है, इसमें भी एक सर्कल होता है, सेट्स होते हैं। मैं बोलता हूँ 3 सेट्स में से जो 2 सेट जीत जाता है वो मैच जीत जाता है। अब 2 सेट का क्या गेम है, हर सेट में किसी प्लेयर को 6 गेम जीतने होते हैं। वो 6 गेम ऐसे जीतने होते हैं कि हर एक गेम के अंदर 6 पॉइंट होता है। जिसने पहले 6 पॉइंट कर दिए वो एक गेम उसका, सॉरी 4 पॉइंट होता है। जिसने वो 4 पॉइंट पहले कर दिए वो गेम उसका हो गया। इस तरीके से 6 गेम का एक सेट होता है और इस तरह 3 सेट होते हैं, तो जो 2 सेट जीत गया उसका गेम हो गया। बड़े बड़े मशहूर टूर्नामेंट डबल ओपन भी होते हैं, सिंगल ओपन भी होते हैं, तो इसका अपना एक मजा है। गेम का सेट 1, सेट 2, सेट 3 और ये गेम है 4 पॉइंट्स के, जिसने 4 पॉइंट पहले कर लिए उस तरीके से इसके सेट्स होगा। यानी कि 2 प्लेयर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैचेस वहां खेलेंगे। दिस इज बाय फार वन ऑफ इट्स काइंड। आप देख सकते हैं फेंसिंग बड़ी जबरदस्त हुई हुई है, गैल्वेनाइज्ड ग्रिल्स की, ड्रेनेज पॉइंट्स दिए हैं कि जब बारिश होती है तो ड्रेनेज पॉइंट से आपके पानी क्लियर हो जाता है, ताकि हिली ना होने की वजह ये होती है भाई साहब कि प्लेयर स्लिप ना हो जाए। तो स्पोर्ट्स में सब चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। रात के नॉर्मली टेनिस में रात के मैचेस कम होते हैं, बट अगर होते हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर लाइट भी रही है। आई विश के आने वाले वक्त में पाकिस्तान के एहसान उल हक जैसे और प्लेयर्स आए। और मैं एक चीज बताना भूल गया, यहाँ की जो ओपनिंग है जो ग्रैंड ओपनिंग है उसमें होपफुली द मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू हैव अ मैच बिटवीन एहसान उल हक एंड सानिया मिर्जा। अब लेट्स सी सानिया मिर्जा यहाँ आती है, शोएब मलिक के रिश्तेदार हैं,
तो भाई ऑल इन ऑल एक अच्छा एनवायरनमेंट है टेनिस कोर्ट के लिए। तो एवरीबडी इन कराची, इट्स एन ओपन इनविटेशन, कम हियर, सी द टेनिस कोर्ट, प्ले फॉर योरसेल्फ। इट्स अ मेंबरशिप क्लब जो हमने बनाया है, इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। यू कैन प्ले टेनिस, यू कैन प्ले स्क्वैश कोर्ट, यू कैन प्ले, यू कैन स्विम, यू हैव बैडमिंटन कोर्ट ऑल्सो, एंड वी हैव अ बिग बिग क्रिकेट ग्राउंड जो मैं आपको दिखाऊंगा। वी हैव मल्टीपल रेस्टोरेंट एवरीथिंग। इस प्रोजेक्ट का अलग आपको व्लॉगिंग करके दिखाएंगे इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है। लेकिन बहरहाल एज ऑफ नाउ दिस इज द टेनिस कोर्ट, अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ स्पोर्ट, एंड एवरीबडी इन कराची इज शुड कम एंड सी इट, बिकॉज अगर आप स्पोर्ट लवर हैं तो शुड कम एंड सी इट।